हेलो बच्चों, रीड द क्वेश्चन एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर ऑफ कॉटन इज शोन करेक्टली इन सो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो कॉटन का जो फ्लावर होता है उसमें क्या एस्टिवेशन होता है सो लेट्स स्टार्ट हियर इज कॉल्ड एस्टिवेशन अब एस्टिवेशन का क्या मतलब एस्टिवेशन सिंपली रेफर्स टू द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ अरेन्जमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स पेटल्स और सेपल्स जब इनका अरेन्जमेंट की बात होगा ना किसी भी फ्लावर में सो so, हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं उसको नाउ एस्टिवेशन जो होती है ये काफी टाइप्स की होती है टाइप्स की होती है फॉर एग्जाम्पल um, हम कह सकते हैं वेलवेट की हो सकती है देन वेक्सिलरी हो सकती है मेजरली फोर टाइप्स होते हैं देन एम्ब्रिकेट uh, भी हो सकती है एंड ट्विस्टेड भी हो सकती है सो so, ये समेरी कॉमनली नोन एस्टिवेशन है सो so, ये है हमारे नॉर्मली फोर जो एस्टिवेशन होते हैं अब बात करते हैं कि कॉटन के फ्लॉर में हमें कौन सा टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलता है सो so, So, जो कॉटन का फ्लावर होता है वट वी कैन डू इज हम लोग कंसिडर करते हैं एक फ्लावर को जिसके फाइव पेटल्स हैं। अब ऐसे में ये देखिए, ये है आपका पहला पेटल ये कुछ ऐसे अब एक पेटल के दो एंड हो गए एक एंड ये वाला हुआ और एक एंड ये वाला हुआ सो so, कॉटन का जो फ्लावर होता है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वन वन एंड ऑफ द पेटल विल ऑलवेज ओवरलैप दिटल ठीक है तो जो नेक्स्ट पेटल होगा वो कुछ ऐसा होगा something like this. अब अगर हम इसमें थोड़ा सा अब अगर हम इस वाले को देखे सो so ये नंबर वन पेटल है और ये नंबर टू पेटल है सो नंबर टू पेटल का जो पहला एंड है दैट इज दिस एंड वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है पहले एंड के नीचे आ रहा है आप ये कह सकते हो कि जो पहला पेटल है उसका एक एंड दूसरे वाले के ऊपर चढ़ा हुआ है थोड़ा सा अब जो थर्ड पेटल होगा वो कुछ ऐसा होगा समथिंग लाइक दिस अगेन एक एंड जो है थर्ड वाले का वो पिछले वाले के नीचे है यानी कि द सेकेंड वन इज ओवरलैपिंग द थर्ड पेटल सो ये जो अरेन्जमेंट uh, होता है जिसमें एक पेटल का एंड हमेशा दूसरे पेटल के एंड को ओवरलैप करता है उसे हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन सो ये कुछ ऐसा दिखता है सो so, एक एंड हमेशा एक एंड जैसे ये वाला एंड जो है ये ऊपर है अगेन ये वाला एंड ऊपर है ये वाला एंड ओवरलैप कर रहा है ये वाला एंड ओवरलैप कर रहा है सो so, ये जो एस्टिवेशन होता है इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन सो ये हमें देखने को मिलता है कॉटन फ्लावर के प्लांट में एस्टिवेशन सो दिस इज आंसर ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर क्योंकि अगर हम यहां देखें तो so एक एंड जो है वो हमेशा दूसरे वाले के ऊपर चढ़ा हुआ है होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक